गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ डीएन गुप्ता. आज का चैप्टर है रेस्पायरेटरी सिस्टम. इसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र. माई डियर स्टूडेंट, रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, इसमें कौन कौन से मेन मेन ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले हम रेस्पायरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझते हैं. सबसे पहले देखिए नाजल कैविटी. ये नोज का रास्ता होता है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर छोड़ते हैं. सेकंड है हमारा फेरेनिक्स. यस. थर्ड है हमारा ट्रैकिया. ये विंड पाइप होता है जो लंग्स से हमारे जुड़े होता है, अर्थात हमारे फेफड़े से जुड़ा होता है. ये लंग्स हैं, आप देख रहे हैं. यस. नेक्स्ट ऑर्गन हमारा एल्विलाई है. ये मेन मेन ऑर्गन्स होते हैं हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम में. फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, जैसे ब्रॉन्ची है. ब्रॉन्ची भी ट्रैकिया जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो इसको ब्रॉन्ची बोलते हैं. और आगे हम समझेंगे एक एक पार्ट्स के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कैसे काम करता है. यस. तो हमने देखा यहाँ पे ब्रॉन्चियोल्स है ये. यस. सबसे पहले नाजल कैविटी है, फिर फेरेनिक्स है, ट्रैकिया है, लंग्स हैं, ब्रॉन्ची है, ब्रॉन्चियोल्स हैं एंड एल्विलाई है. माय डियर स्टूडेंट, रेस्पायरेटरी सिस्टम के ये मेन मेन ऑर्गन्स हैं और कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट जानेंगे. यस. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेस्पायरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है. द रेस्पायरेटरी सिस्टम सप्लाइज द ब्लड विथ ऑक्सीजन so that the blood can deliver oxygen to all parts of the body. Respiratory system का जो primary function है वो यह है कि blood की मदद से oxygen को हमारी पूरी body में circulate करना, body के हर एक कोशिका तक oxygen को पहुंचाना, इसका primary function है. इसके अलावा and also removes carbon dioxide waste that cells produce. और इसके साथ ही हमारी कोशिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं एज वेस्ट मटेरियल के रूप में, उसको हमारे शरीर से बाहर करना. तो अगर हम रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, श्वसन तंत्र की बात करें, तो मुख्यतः प्राइमरी फंक्शन है ऑक्सीजन इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. यस, ये है प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम. माय डियर स्टूडेंट, रेस्पायरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर में अब यहां पर हम देखेंगे एक एक प्राइमरी ऑर्गन्स के बारे में. सबसे पहले हम बात करेंगे नाजल कैविटी की. नाजल कैविटी पासेस एयर थ्रू नोज एंड सेकेंड है माउथ. पासेस एयर थ्रू माउथ. एक्चुअली जब हम सांस लेते हैं तो नाक के द्वारा भी ऑक्सीजन लेते हैं और मुख के रास्ते से भी हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. तो नाजल कैविटी का मतलब है नोज वाला रास्ता और माउथ का मतलब है माउथ वाला रास्ता जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी इन दोनों रास्ते से बाहर निकालते हैं. यस. फेरेनिक्स. फेरेनिक्स क्या होता है? द थ्रॉट. ये जो हमारा गला होता है इस रीजन को फेरेनिक्स बोलते हैं. ये कोन शेप्ड होता है और इसी रास्ते में हमारा ट्रैकिया होता है जिसको वाइंड पाइप बोलते हैं. ट्रैकिया क्या है? वाइंड पाइप है, मेन ट्यूब कनेक्टिंग नोज माउथ टू लंग्स. ट्रैकिया एक ऐसी ट्यूब होती है जो आप देखिए स्ट्रक्चर में दिख रहा है. ट्रैकिया एक वाइंड पाइप है और ये हमारे दोनों लंग्स से, हमारे दोनों फेफड़े से कनेक्टेड है और इसी पाइप के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आती है फेफड़े में और इसी पाइप के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से हमारे नोज और माउथ के द्वारा बाहर निकलती है. तो ट्रैकिया मेन विंड पाइप होता है
हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम का। फिर इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस क्या होता है, यह फ्लैप होता है दैट कवर्स द एंट्रेंस टू द ट्रैकिया। इपिग्लॉटिस एक तरीके का ढक्कन होता है जो हमेशा ट्रैकिया को फूड का मटेरियल इस विंड पाइप में ना जाए, इससे हमेशा सेफ रखता है। यस, नेक्स्ट लंग्स हैं। लंग्स आप देख रहे हैं इमेज में, दो लंग्स होते हैं, ये मेन ऑर्गेन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। यस, और कुछ मेन ऑर्गेन्स देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्रॉन्ची। यस, ब्रॉन्ची को आप समझिए, देखिए यहां पर आपको फिगर में दिख रहा है ट्रैकिया आई हुई है और ये फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक राइट लंग्स में चली गई है और एक लेफ्ट लंग्स में चली गई है। तो जो ट्रेकिया के दो ब्रांच हो गई हैं, दो शाखाएं हो गई हैं, इन शाखाओं को बोलते हैं ब्रॉन्ची। यस, ब्रॉन्ची क्या है, टू ट्यूब्स इनसाइड ऑफ लंग्स दैट एयर पासेस थ्रू टू द ब्रॉन्चियोल्स। और ब्रॉन्ची फिर आगे डिवाइड होती है, ये शाखा फिर उप शाखाओं में डिवाइड होती है जिसको बोलते हैं ब्रॉन्चियोल्स। आप देख रहे हैं फिगर में, ब्रॉन्ची फिर डिवाइड हुई, ब्रॉन्चियोल्स में डिवाइड हुई, मतलब शाखाएं फिर उप शाखाओं में डिवाइड हुई, इसको बोलते हैं ब्रॉन्चियोल्स। और स्मॉल ब्रांचिंग आउट ट्यूब्स डिवाइड इनटू एल्विलाई, और ये ब्रॉन्चियोल्स बाद में फिर डिवाइड होती हैं और इनको बोलते हैं एल्विलाई। एल्विलाई क्या है, ये टिनी एयर सैक्स दैट डू द ऑक्सीडेशन एंड द एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एल्विलाई वो जगह है जहां पर ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, अर्थात एल्विलाई एक टिनी एयर सैक होता है, एक खाली जगह होती है जहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, अर्थात ऑक्सीजन अंदर आती है। ऑक्सीजन कैसे आएगी, पहले नाजल कैविटी से और माउथ से विंड पाइप अर्थात ट्रैकिया से गुजरते हुए ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची से ब्रॉन्चियोल और फाइनली एल्विलाई में आती है। और यहां पर ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से फिर रिटर्न आती है और नाजल कैविटी और माउथ से बाहर निकल जाती है। यस, तो एल्विलाई मेन जगह होती है जहां पर ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर जाएगी। यस, कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां समझने के लिए, एल्विलाई के अंदर कैपिलरीज होते हैं। और कैपिलरीज क्या होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड बहता है, ये नलिकाएं होती हैं, बहुत छोटी, बहुत पतली, बहुत थिन, दैट आर एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ द एल्विलाई। और ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं ब्लड की, ये एल्विलाई की जो दीवारें होती हैं उसमें एम्बेडेड होती हैं, मतलब धसी रहती हैं। व्हाइल इन द कैपिलरीज द ब्लड डिस्चार्ज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो ब्लड की नलिकाएं हैं ये बहुत पतली होती हैं और जो इसके अंदर ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन नलिकाओं से बाहर आता है एल्विलाई में और ये एल्विलाई के थ्रू ट्रैकिया में आएगा, ट्रैकिया से होते हुए नाजल कैविटी और माउथ कैविटी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा और ठीक ऐसा रिटर्न होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी नाजल कैविटी और माउथ से अंदर की ओर आएगी, ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची से ब्रॉन्चियोल, फिर एल्विलाई और फाइनली कैपिलरीज में पहुंचेंगी। और कैपिलरीज में मैंने जैसे बताया यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड की नलकें हैं, उसके अंदर एंट्री करेगी और ऑक्सीजन में ब्लड पहुंच जाएगा और फिर ये ब्लड सर्कुलेट होगा और पूरी हमारी बॉडी में पहुंचेगा और हर कोशिका तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। यस, तो यहां पर हमने मेन मेन ऑर्गन्स देखे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और अब सीलिया है, यस, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट रिमूव डस्ट एंड डल्ट फ्रॉम द एयर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जब हम सांस लेते हैं ये सीलिया हमारे जैसे हमारे नाक में होते हैं, ये क्या होते हैं, अगर हम सांस लेते हैं उसमें डस्ट आ रही है, धूल आ रही है, तो उसको रोकते हैं और हमारे फेफड़े को धूल से बचाने का काम करते हैं। यस, तो यहां पर हमने मेन मेन स्ट्रक्चर देखा और अब हम यहां पर समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन देख रहे हैं, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन लेते हैं किसके द्वारा, ऑक्सीजन हम लेते हैं अपने
मुंह के रास्ते से और नाक के रास्ते से हम ऑक्सीजन को हमने लिया, फिर क्या हुआ, यह ऑक्सीजन ट्रैकिया से होते हुए कहां पर आई, ब्रॉन्ची में आई। आपने देखे ट्रेकिया ब्रॉन्ची कहां होती है, लंग्स में। ब्रॉन्ची से फिर आगे बढ़ेगी ऑक्सीजन, ब्रॉन्चियोल्स में पहुंचेगी, ब्रॉन्चियोल से कहां पे पहुंचेगी, एल्विलाई में पहुंचेगी। और हम जानते हैं एल्विलाई में क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं, और यहीं पर ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर एंट्री कर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से निकलकर एल्विलाई में आ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हमारे बॉडी से बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में अंदर आ जाएगी। यस, तो ये पूरा साइकिल होता है कि किस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये पूरे रेस्पायरेशन साइकिल है। और थोड़ा सा आगे हम क्लियर करेंगे इसको। सबसे पहले हम समझते हैं ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चियोल्स क्या होता है। यस, अगर हम एक एक ऑर्गन्स को समझ लेंगे तो हम रेस्पायरेटरी सिस्टम के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। यस, आप फिगर में देखिए, ब्रॉन्ची दिया हुआ है, ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड है यहां पर। ये देखिए फर्स्ट, तो ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चियोल्स क्या लिखा हुआ है, द ट्रेकिया डिवाइड्स इंटू टू ब्रॉन्ची विच एंटर द लंग्स। जो हमारी ब्रॉन्ची है, ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई, जो ब्रॉन्ची कहला रही है, और ये जो ब्रॉन्ची जब सब डिवाइड्स हुई तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रॉन्चियोल्स बोलेंगे। द राइट ब्रॉन्चेस इज कंसिडरेबली लार्जर इन डायमीटर देन द लेफ्ट एंड एक्सटेंडेड डाउनवर्ड इन ए मोर वर्टिकल डायरेक्शन। देयर फोर इफ ए फॉरेन बॉडी इज इनहेल्ड इट इज लाइकली टू इंटर द राइट लंग्स। ईच ब्रॉन्चेस इंटर द लंग्स एट ए नोच और डिप्रेशन कॉल्ड द हाइलस और हाइलम। द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स ऑल्सो कनेक्ट विद द लंग्स इन दिस रीजन। माई डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रैकिया सबसे पहले दो ब्रांच में डिवाइड हो गई, जिसको हमने बोला ब्रांची, और जब ब्रांची फिर सब डिवाइड हुई तो हमने बोला ब्रांचियोल्स। और यहाँ पर एक बात समझने की है कि क्या कह रहा है, कि जो हमारा राइट ब्रांचेस है, जो हमारा राइट लंग्स है, हमारा जो दाया फेफड़ा है, हमेशा वो साइज में बड़ा होता है बाएं फेफड़ी की अपेक्षा। इसका फायदा यह होता है कि जब भी कोई धूल का कण आता है तो सबसे पहले वो हमारे दाएं फेफड़े में एंट्री करता है। यस, और इससे हमारा पूरा रेस्पायरेटरी सिस्टम के जो दोनों लंग्स हैं वो कभी भी एक साथ नहीं खराब होते। सबसे पहले राइट लंग्स में कोई चीज एंट्री करेगी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, इसके बाद ही लेफ्ट लंग्स में जाएगी। यस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा राइट लंग्स है, जो हमारा दायां फेफड़ा है, वो हमेशा बाएं फेफड़े से साइज में बड़ा होता है। यस, और इसी लंग्स के रीजन में ही ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें ब्लड बहता है। तो यहां पर हमने देखा ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चियोल्स क्या होता है, यहां पर हमने समझा। यस, नेक्स्ट हम समझेंगे एल्विलाई क्या होता है। यस, हमने ब्रॉन्ची ब्रॉन्चियोल्स के बाद क्या बताया था, एल्विलाई। अब क्या है, जब ब्रॉन्चियोल्स और सब डिवाइड हुए तो एल्विलाई को बनाते हैं। और एल्विलाई क्या है, एल्विलाई आर द फाइनल ब्रांचिंग ऑफ द रेस्पायरेटरी ट्री। अगर हम रेस्पायरेटरी ट्री की बात करें तो एल्विलाई क्या है, इसकी फाइनल ब्रांचिंग है, इसके बाद कोई ब्रांचिंग नहीं होती, फाइनल ब्रांचिंग है। एंड एक्ट एज द प्राइमरी गैस एक्सचेंज यूनिट ऑफ द लंग्स। और ये वही यूनिट है जहां पर गैस का आदान प्रदान होता है, अर्थात इसी यूनिट में कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। द गैस ब्लड बैरियर बिटवीन द एल्विलर स्पेस एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज इज एक्सट्रीमली थिन, अलाउिंग फॉर रैपिड गैस एक्सचेंज। टू रीच द ब्लड ऑक्सीजन मस्ट डिफ्यूज थ्रू द एल्विलर इपिथीलियम, ए थिन इंटरस्टियल स्पेस एंड द कैपिलरी एंडोथीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोज द रिवर्स कोर्स टू रीच द एल्विलाई। माई डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम ऑक्सीजन हमने इनटेक किया, ऑक्सीजन हमने सांस के द्वारा ली, तो सबसे पहले ट्रैकिया से होते हुए ब्रांची में आई, फिर ब्रांचियोल्स में आई, और फाइनली कहां पर पहुंचती, एल्विलाई में।
और एल्विलाई में क्या होता है, इसी पार्ट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ब्लड में एंट्री कर जाती है जो चूंकि ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज में यहां पर, और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से निकल निकल के एल्विलाई में आती हैं, और एल्विलाई से फाइनली रिटर्न होते हुए एल्विलाई से कहां पे जाएंगी, ब्रांचियोल्स में, फिर ब्रांची में, फिर ट्रैकिया में, और फिर नाजल कैविटी और माउथ कैविटी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन अंदर आती है उसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं, यस। और एल्विलाई वो प्लेस है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, यस। अब थोड़ा सा हम कैपिलरीज के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज मुख्यतः कहां पर होती है? एल्विलाई के अंदर होती है। आप देखिए कैपिलरीज में क्या है, एक तरफ से रेड वाली नली आ रही है, एक तरफ से ब्लू वाली नली आ रही है, और बीच में कनेक्टेड हो गई। माय डियर स्टूडेंट, ये जो रेड वाली नली दिख रही है ये मुख्यतः ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंडिकेट कर रही है, मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन है। और ये जो ब्लू वाली नली इधर से दिख रही है आपके राइट हैंड साइड से, ये इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसका ये कलर है। और ये आर्टरीज और वेन आप देख रहे हैं फिगर में, ये दोनों आपके मिडिल में आपस में जुड़ गई। और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर क्या होगा, ऑक्सीजन जैसी एंट्री करेगी इस कैपिलरीज में तो ये जो ब्लू वाला ब्लड है ना ये रेड में चेंज हो जाएगा। अर्थात जो ऑक्सीजन जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लू वाले ब्लड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी इसी मिडिल रीजन में, और ऑक्सीजन जब इसमें एंट्री करेगी तो यही ब्लू वाला ब्लड रेड में चेंज हो जाएगा, यस। तो ये कैपिलरीज होती हैं, ये ब्लड की नलियां होती हैं जिसमें ब्लड बहता है। और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कैपिलरीज क्या है। कैपिलरीज आर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्चुअली जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये उसका एक पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आता है, और हमारे पूरे बॉडी में जो आर्टरीज और वेन्स फैली होती हैं इसी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो कैपिलरीज क्या है, पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। दे आर टीनी वेसल्स दैट कनेक्ट द स्मॉलेस्ट आर्टरीज एंड वेन्स। ये क्या होती है, बहुत छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं जो छोटी छोटी आर्टरीज और छोटी छोटी वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरी है वो कैसा ब्लड ले जाता है, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये जो आर्टरीज है ये सबसे पहले कहां पे जाती है, हमारे हार्ट में जाती है, और हार्ट इसको ब्लड को पंप करता है, और फिर ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिससे चूंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन है इसलिए हमारी बॉडी में प्रत्येक एक कोशिका तक ऑक्सीजन इस माध्यम से पहुंच जाता है। वाइल जबकि वेन्स की यदि हम बात करें तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द टिश्यू एंड बैक टू द हार्ट। वेन्स क्या होती हैं, ये हमारे पूरे शरीर से की जो कोशिकाएं होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट इसको पंप करता है, और ये जो नलिका है ये हमारे हार्ट तक आती है, और हार्ट में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है इसमें फिर ऑक्सीजन मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इस कैपिलरी से बाहर निकल जाती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है आप ऑक्सीजन वाले ब्लड में चेंज हो जाएगा, और इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से ये रेड हो जाएगा, यस। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर डिलीवर्ड टू द सेल ऑफ द बॉडी थ्रू कैपिलरी वाल। जो ऑक्सीजन है और जो पोषक तत्व है, ये जो आप इसकी कैपिलरी दिख रही हैं इसके वाल के द्वारा ही ये डिलीवर्ड होता है, क्योंकि इसकी वाल जो दीवार है बहुत पतली होती है, इससे क्या होता है ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन एंट्री भी कर जाता है सेल में। द कैपिलरीज आल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स। और जो कैपिलरीज होती हैं क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो ब्लड की वाहिकाएं उससे बाहर निकालती हैं, और उसमें ऑक्सीजन एंट्री करता है, और जो जो कार्बो जिसमें जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी अब उसमें ऑक्सीजन एंट्री कर जाएगा, और जो ब्लू वाला ब्लड है वो रेड में चेंज हो जाएगा। तो कैपिलरीज में मेन फंक्शन ये होता है यहां पर। अब हम बात करेंगे हाउ द रेस्पायरेटरी सिस्टम वर्क। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कैसे रेस्पायरेटरी सिस्टम हमारा वर्क करता है, इसके फर्स्ट स्टेप को हम समझेंगे।
एयर दैट फ्लोज फ्रॉम द माउथ और नाजल कैविटी ट्रेवल्स थ्रू द फेरेनिक्स एंड मूव्स डाउन टू द ट्रैकिया. देन द एयर मूव्स टू द ब्रॉन्ची ट्यूब्स एज दे इंटर द लंग्स. वंस द एयर गेट्स इन टू लंग्स द एयर इंटर सेपरेट ब्रांचेस कॉल्ड द ब्रॉन्चियोल्स. कार्बन डाइऑक्साइड पासेस फ्रॉम द ब्लड इन टू द एल्विलाई एंड इज देन एक्सहेल्ड. अगर हम इसके फर्स्ट स्टेप की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, हम अपने माउथ और नाजल कैविटी से ऑक्सीजन को अंदर इंट्रेक करेंगे. फेरेनिक्स से होते हुए ये ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पे जाएगा, ब्रॉन्ची में जाएगा. ब्रॉन्ची से ब्रांचियोल्स में पहुँचेगा. ब्रांचियोल से एल्विलाई में पहुँचेगा. एल्विलाई में जो कैपिलरीज हैं वहाँ पर कैपिलरीज में ये ऑक्सीजन एंट्री कर जाएगा और कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड बह रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन उसमें एंट्री कर जाएगा. तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है, यस. और जब कार्बन डाइऑक्साइड फिर आएगा वापस तो हम इसको माउथ और नाजल कैविटी से बाहर निकाल देंगे. ये हुआ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट स्टेप, यस. अब हम सब समझते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होता है. वंस इन योर लंग्स ऑक्सीजन ट्रेवल्स फ्रॉम योर लंग्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. एक बार जब लंग्स हमारे ऑक्सीजन के अंदर जाता है, ऑक्सीजन के अंदर जाती है गैस, तो ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा हमारे पूरे बॉडी सेल्स में पहुंच जाती है. सेल्स यूज द ऑक्सीजन और जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं होती हैं उस ऑक्सीजन का यूज करती हैं एज फ्यूल के रूप में एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट गैस. ऑक्सीजन को एनर्जी बनाने में यूज करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्टेस के रूप में बाहर निकालती हैं. द वेस्ट गैस इज कैरीड बाई द ब्लड स्ट्रीम बैक टू द लंग्स टू बी एक्सहेल्ड. और ये जो वेस्ट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा लंग्स तक लाई जाती है और लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं. तो ये होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकेंड स्टेप. इंटरेस्टिंग फैक्ट हम कुछ देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का. इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अबाउट हाफ ए लीटर ऑफ वाटर पर डे इज लॉस्ट थ्रू द ब्रीथिंग. जो हम सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, इसमें लगभग आधा लीटर पानी हमारे शरीर का इसके द्वारा बाहर निकल सकता है. आप देखिए ठंडी में जब आप शीशे के सामने सांस लेते हैं तो वहां पर आपको मॉइस्चर्स दिखेगा, ये वही पानी जो लॉस होता है. योर राइट लंग्स इज लार्जर देन योर लेफ्ट. हमेशा आपका जो दायां फेफड़ा है हमेशा बाएं वाले फेफड़े से बड़ा होता है. वी ब्रीथ 13 पिंट्स ऑफ एयर एवरी मिनट. हम लगभग एक मिनट में 13 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. पीपल अंडर 30 टेक्स इन डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन कंपेरिजन टू समवन हु इज 18 ईयर ओल्ड. वो व्यक्ति जो अगर हम कंपेरिजन करें तो 80 साल के व्यक्ति से जो 30 साल का व्यक्ति है लगभग डबल ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है इन कंपेयर ऑफ 80 ईयर्स ओल्ड पीपल के, यस. तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, माय डियर स्टूडेंट. और यहां पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका फिनिश होता है. थैंक यू वेरी मच. Thanking you.